बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की विरत, अब कहूँ पोहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। पांचवा प्रहर, अब कहूँ पहर पांचवा, आया जब बखत। प्रणधार सुंदर साज, कल की चर्चा में हमने अष्ट प्रहर की सेवा को सुना। अष्ट प्रहर की सेवा में भी दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर की भी तक हमने कल सुनी थी कि किस प्रकार सुंदर साथ श्री जी की सेवा करते हैं, किस पहचान के साथ करते हैं। हर छोटी से छोटी सेवा जिसे देखने में किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं दिखता है, पर उसमें सुंदर साथ का भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी सेवा है, इसलिए उनकी गिनती की गई है, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर अष्ट प्रहर में किया गया है। तो इसी सेवा के वर्णन के क्रम में अब हम पांचवें प्रहर के भी तक में पहुंचे हैं। पांचवा प्रहर संध्या के 6 बजे से प्रारंभ होता है और रात्रि के 9 बजे तक। चूंकि सुंदर साथ ने तैयारी कर ली है, श्री जी का श्रृंगार भी कराया है और चितवनी से पहले कुछ सुंदर साथ सुरक्षा में भी हाजिर है, लच्छोबाई आकर के श्री जी से पूछती हैं कि श्री जी साहब आज हमें कौन सा घाट लेकर के जा रहे हैं। श्री जी कहते हैं, श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट, आज हम पाट घाट जाएंगे। अब तैयारी चलती है कि तखत बिछौने होते है, बिछावत बिहारी दास। बिहारी दास जी बिस्तर लगाने की, तखत बिछाने की सेवा करते हैं, गद्दे से लेकर के चादर, तकिए, ये सब ला करके तैयार करते हैं। दीपक जी उसी सेवा में बिहारी जी के साथ शामिल रहते हैं और उस सेवा में सहयोग करते हैं। वो समय जिसमें बाईजीराज जी सुखपाल में बैठ करके आते हैं और संध्या के समय में कुछ अल्पाहार के लिए आग्रह करती हैं। पहले अर्ज करती हैं और श्री जी की आज्ञा पाने के बाद मथुरी और हिम्मत बाई शाक तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। श्री जी के सामने सब्जियां इत्यादि लेकर के रखते हैं। श्री महाराजा बाई जी बैठत अरुगावने थाल। जब कभी महाराजा छत्रसाल जी आए होते हैं तो वो स्वयं श्री जी को भोजन अरुगाने बैठते हैं। बाईजीराज जी भी ये सेवा करती हैं। महाराजा छत्रसाल जी अत्यंत प्रेम से श्री जी का हाथ धुलाते हैं और हाथ धुलाने के बाद हाथ पोछने के लिए एक रुमाल देते हैं और उसके पश्चात अब श्री जी तैयार हैं तो कह रहे हैं, आरोगत अत हेत सो सु कहां लो कहूं मैं ऐ, राजभोग सामग्री लवाज में सब साक तरकारी के। श्री जी को भोग लगाने के लिए, उनको अरोगाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, यहाँ तरकारी शब्द प्रयोग किया है। पहले मैं जब बहुत छोटा था तो उस समय हमारे घरों में कहा जाता था कि तरकारी शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि तरकारी जो है वो सुंदर साथ प्रयोग नहीं करते, ये प्रवाही प्रयोग करते हैं। फिर जब मैं बीतक पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि भाषा से क्या फर्क पड़ता है। तरकारी जो शब्द है ये
अवधी भाषा का है या फिर मिथिला के तरफ मैथिली भाषा में भी प्रयोग होता है, सब्जी के लिए ही प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले कानजी भाई और हरिजी व्यास के प्रसंग में आता है और यहाँ पर भी वर्णन किया है कि श्री जी को सब्जी अथवा तरकारी अरुगाया जाता है। बाईजीराज जी श्री जी के आरोगने के समय में बहुत मधुर बात करती हैं, मीठी बात करते हैं और श्री जी उनसे रीझ करके उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें ऊपर तखत में साथ में बैठने के लिए कहते हैं। छबिलदास जी श्री जी को अरुगाने के लिए जल लाते हैं कंचन के कटोरे में, सोने के कटोरे में भर करके ऋतु के अनुसार जल देते हैं। कभी गर्म जल चाहिए, कभी ठंडा चाहिए, कभी ताजा गुनगुना चाहिए, तो ऋतु के अनुसार श्री जी को जल देते हैं। इसके पश्चात अब चूंकि श्री जी आरोग चुके हैं, आरोगने के पश्चात श्री जी पान का बीड़ा लेते हैं और पान बीड़ा लेने के पश्चात अब श्री जी का श्रृंगार कराया जाता है। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर इत के, ले ले नाम मुजरा होते हैं, होए जुबा एक एक के। अब छत्रसाल जी के दरबार की तरफ से हार कलंगी ये सब आभूषण आते हैं और अलग अलग सुंदर साथ आते हैं उनको लेकर के और अपना नाम ले ले करके। मुजरा करने का तात्पर्य क्या है, जैसे पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे तो राजाओं के सामने झुक करके उनको सलाम करते थे या प्रणाम करते थे, उनके जो भी सेवक होते थे, जो भी सेवादार होते थे। यहाँ सुंदर सात के मन में क्या भाव है कि संसार के जो राजा महाराजा हैं तो श्री जी उन राजाओं से कम थोड़ी है, ये सुंदर सात का भाव है। लौकिक सत्ता के रूप में नहीं लेकिन सबके हृदय पर राज करने वाले श्री जी सबके हृदय के सम्राट हैं, तो इसीलिए सुंदर साथ आते हैं और आ करके सजदा करते हैं अपना नाम ले लेकर के। महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से श्री जी को कलंगी बांधते हैं। मुकुंद दास जी तुर्रा और कलंगी जो कि पाग में पहनाई जाती है उसे लेकर के आते हैं और उसे श्री जी स्वीकार करते हैं। और ये जो भी सुंदर साथ लेके आने की सेवा करते हैं, लेके आना अलग बात है पर इन सब की व्यवस्था महाराजा छत्रसाल जी के तरफ से होती थी। श्री लालदास जी कह रहे हैं कि महाराजा के रावर से आवत कलंगी हार, चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लारी। महाराजा छत्रसाल जी के शाही खजाने में से श्री जी की सेवा के लिए आता था। अब कहते हैं अब कहो इन समय की श्री राज विराजे तखत, आई जी मोरछल करत हैं सो कहियो न जाए बखत। श्री जी उस तखत पर विराजमान है जिसे बिहारी दास जी ने तैयार कराया है। बाईजीराज जी मोरछल से उनको पंख करती हैं। महाराजा छत्रसाल जी दूसरी तरफ मोरछल लेकर के चंवर करते हैं, बदल बदल करके, कभी शेख बदल, कभी लाल खान, कभी लालदास जी, कभी केशव दास जी, ये सब अपनी सेवा करते हैं। अब कह रहे चितवनी की बारी मैंने भोग दियो इन बखत, गावत संझा को अवसर पहर रात लो रोशन। अब चितवनी का समय हुआ है, हुआ संध्या को अवसर, ये जो सुंदर साथ सेवा पूजा करते हैं, वैसे तो सब सुंदर साथ संध्या को अवसर का गायन नहीं करते पर कई हैं जो उसका गायन करते हैं। उसमें एक तरह से देखा जाए तो परमधाम की चितवनी है कि किस तरह से युगल स्वरूप के श्रृंगार का उसमें वर्णन है। तो संध्या के अवसर का गायन करके पहले प्रहर की, रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने तक उसका गायन किया जाता है और उसके माध्यम से सुंदर साथ चितवनी करते हैं। उसमें युगल स्वरूप के श्रृंगार का भी वर्णन करते हैं संध्या को अवसर के साथ साथ में। इसी तरह से पहले राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन करने के बाद फिर कहा जाता है कि आज, आज अर्थात क्योंकि परमधाम में तो सोई घड़ी सोई पल,
वहां समय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस दृष्टि से कहते हैं आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम। आज नवरंग बाई का नृत्य करने का दिन है। चौथी भौम में निरत की हवेली है, नृत्य की हवेली है, जहां पर नवरंग बाई का नृत्य होता है, उनके श्रृंगार का भी वर्णन होता है। इस प्रकार युगल स्वरूप के श्रृंगार का, वस्त्रों का, आभूषण का, नख से लेकर के सिख तक का वर्णन दिन में दो वक्त किया जाता है, सुबह भी शाम को भी। इस तरह से सुंदर साथ चितवनी करते हैं। श्री लालदास जी कहते हैं कि ये वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोए, एक प्रात और संझा समय साथ सुनत है सोए। सुंदर साथ सुबह शाम दोनों वक्त उसे सुनते हैं और उसके आधार पर चितवनी करते हैं। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है इसी प्रसंग में, चितवनी के और युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा के विषय में। क्या कहते हैं? स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं दो तीन, सो लिखे शास्त्रों में ने जो ल्याए आकीन। इस दुनिया में स्वरूप का वर्णन करने वाले बहुत अधिक लोग नहीं हुए हैं, कुछ ही हुए हैं, दो तीन ही हुए हैं, और उनमें भी परब्रह्म का स्वरूप वर्णित करने वाले या राज्य के स्वरूप के विषय में बताने वाला तो कोई है ही नहीं। इस संसार में अधिक से अधिक किसके स्वरूप का वर्णन किया जाता है? वैकुंठ विहारी विष्णु तक का वर्णन किया जाता है, लेकिन यहाँ किसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं? ये सूरत अरस अजीम की जाए कह्या अक्षराती। पहले तो वैकुंठ के स्वरूप का वर्णन होता है, इस संसार के लोग करते हैं, फिर योग माया के स्वरूप का वर्णन होता है, और उसके ऊपर कहते हैं ए सूरत अजीम की जाए कह्या अक्षरातीत, और उसको कहने वाले कौन है? कहने वाले धामधनी सुने मोमिन कर प्रतीत। अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करने वाले साक्षात अक्षरातीत धामधनी है, और सुनने वाले कौन है? ब्रह्मात्माएं। और कैसे सुनते हैं? निष्ठा बंद सुनत है जाए सांच होवे कान। जिनके कान सच्चे हैं, कान सच्चे होने का तात्पर्य क्या है? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो निष्ठाबद्ध रूप से सुनती हैं, जिनकी इंद्रियों की वृत्तियां भी माया की तरफ नहीं भागती हैं, जब वो परम धाम के श्रृंगार का वर्णन सुनती हैं, उन्हें अन्य किसी भी वस्तु की याद नहीं आती है। और ये हर कोई नहीं कर सकता, ऐसा कौन करता है? ए तो बात अंकुर की होए न बिना संबंध, संबंध के बिना ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। जिसका परम धाम का संबंध होता है वही वास्तव में इसको सुनता है। तो इस प्रकार संध्या को अवसर के बाद परम धाम के श्रृंगार का वर्णन करके चितवनी कराई जाती है, और उसके पश्चात अब आरती का समय होता है। आरती के लिए सारी तैयारी की जाती है, बाईजीराज जी आती हैं, बिहारी दास जी गादी बिछाने की सेवा करते हैं। और आरती कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये जानना है कि किस स्वरूप की आरती करते हैं, साक्षात अक्षरातीत की, और दूसरा कैसे करते हैं। हमारे समाज में एक परंपरागत रूप से प्रचलन है कि जब हम आरती करते हैं तो सुबह सुख को निधान जय जय सुख को निधान, और उसके बाद कभी भी आरती करते हैं तो हम कंचन थाल चहुमुखादि वाला, इसको आरती के रूप में गायन करते हैं। लेकिन ये परंपरा गलत है। ये परंपरा गलत कैसे है मैं आपको बताऊंगा। जिसके जो आरती होती है, आरती में आराध्य अथवा इष्ट के गुणों का गायन होता है, उसकी महिमा का गायन होता है। जैसे दुनिया वाले आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसमें किसका वर्णन है? अगर शिवजी की आरती हो रही है तो वहां पर शिवजी के गुणों का बयान होता है। अगर विष्णु भगवान की या राम जी की आरती हो रही होगी तो उनके गुणों का बयान होता है। हनुमान जी की या गणेश जी की आरती हो रही तो उनके गुणों का गान होता है। सुबह की आरती में
हम कहते हैं कि राज जी आप सुख के देने वाले हैं कि नहीं। गुणगान किसका हो रहा है? राज जी का, कि सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, ठीक है, उसमें पूरे राज जी का गुणगान है। लेकिन शाम को जब आरती की जाती है तो वहां किसका गुणगान है? वहां तो राज जी का गुणगान ही नहीं है। वहां क्या है? कंचन थाल चहुमुख दीवाला, आरती कैसे होती है उसका वर्णन है कि कंचन अर्थात तो सोने की थाली है जिसके चारों तरफ दिए जल रहे हैं और उसके दीपक के ज्योत में सब प्रकाशित हो रहे हैं और करत आरती जियावर रानी आनंद अंगुलासी। पहले तो बाईजीराज जी आरती करती हैं और उसके बाद फिर बाईजीराज जी को सिंहासन पर बैठा करके आरती की जाती है, तब कहते हैं युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। इसमें एक चौपाई में इतना कहा गया है कि जो युगल स्वरूप जिनकी आरती हो रही है वो सुंदर है और सुखदायक है। उसके बाद फिर सखियों का वर्णन है कि सखियां कैसे आरती करती हैं, सखियां निरत करे और गावे आनंद अखंड पार, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे सखियां बोले जय जयकार। यहाँ राज्य की शोभा का कहाँ वर्णन है? तो वास्तव में जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे बोला जाता है ना वो आरती है, क्योंकि आरती के समय में तो आराध्य और इष्ट की स्तुति की जाती है ना। पूर्ण ब्रह्म क्या है? जिसकी आरती की जा रही है उसकी शोभा का वर्णन है कि आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म से परे हैं, शिव शनकादिक आदि भी आपकी इच्छा करते हैं, आपको पाना चाहते हैं और शेष आदि भी स्वर्ग वैकुंठ निराकार से पार नहीं जा पाते, आपकी प्राप्ति नहीं कर सकते, ये उसमें आरती की गई है। तो इस दृष्टि से हमने सेवा पूजा में ये लिखित रूप में प्रकाशित किया है कि पूर्ण ब्रह्म जो है वो आरती से पहले की स्तुति है, ऐसा नहीं है। आरती के साथ साथ में अथवा उसी को गा करके आरती की जाती है। इसके साथ साथ में और भी कई आरतियां प्रचलित है, जैसे आरती करू मारा वाला जिन्हें केरी, हमने उसको क्या बना दिया, ये शॉर्टकट वाली आरती है क्योंकि इसमें कम चौपाइयां है और जहां सभी बहुत सारे लोगों से आरती करवानी होती है तो सोचते हैं कि कंचन थाल में तो चार चौपाइयां हैं और उसका लय भी धीरे धीरे है तो कंचन थाल एक बार करने में तो आरती करूं महाराज वाला जी ने कह रही दो बार हो जाती है, इसलिए उसको करने का प्रचलन चला है। नहीं तो ये भी राज्य की आरती है, कंचन थाल आरती है ही नहीं, कंचन थाल तो आरती के समय की कमेंट्री की गई है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सुंदर साथ आरती कर रहे हैं और उस भाव को श्री लालदास जी ने कहा कि सुंदर साथ ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ अभी कोई आए, न्यूज रिपोर्टर आए और न्यूज रिपोर्टर आकर के कहे इस कार्यक्रम का वर्णन करे तो क्या कहेगा कि अशोक जी इस तरह से सिंहासन पर या गद्दी पर तख्त पर बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साथ ऐसे ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, एक तरफ पुरुष है एक तरफ स्त्रियां हैं, कुछ सुंदर साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऐसे पंखे चल रहे, लाइट जल रहे हैं, कैमरा चालू है, कंचन थाल चहुमुखा दीवाला यही चर्चा सुन रहे हैं और कर रहे हैं उसका वर्णन इसमें नहीं है कि चर्चा में क्या किया जा रहा है या सुंदर साथ क्या भाव रख करके सुन रहे उसका वर्णन नहीं है। इसी तरह से सुंदर साथ जब आरती करते थे तो इसका गायन नहीं करते थे क्योंकि ये तो लालदास जी ने कब लिखा है, अंतर्ध्यान लीला के पश्चात है ना। तो इसका मतलब ये कि जब सुंदर साथ आरती करते थे तब स्तुति कुछ और ही बोलते थे, लेकिन आरती कैसे करते थे उसका वर्णन यहाँ पर लालदास जी ने किया है। ये लॉजिक है और बताना मेरा फर्ज है, मानना न मानना ये आपके ऊपर है। जैसे जय जय सतगुरु आरती तेरी, ये आरती है तो हम आरती करते समय इन सभी का गायन कर सकते हैं या इनमें से किसी एक का गायन कर सकते हैं या बिना गायन के भी तो आरती हो सकती है ना हृदय के भाव से, क्योंकि वास्तविक आरती तो क्या है, तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घृत लौलाए शोभा लखी श्री राज की आरती करूं चितलाए। राज्य की शोभा को देखते हुए आरती करनी है,
और मैं ये बार बार कहता हूँ, भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब हम भंडारों में या किसी समारोह के समापन में आरती करते हैं तो हमारा ध्यान सामूहिक लयबद्धता की तरफ अधिक होती है, राज्य की तरफ नहीं होती है। हमारा ध्यान होता है कि सब लोग जिस लय में ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम उस लय में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं हम बाकी सब लोग खड़े हो रहे हैं और हम लोग नीचे झुक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमारा ध्यान उसमें होता है, हमारा ध्यान ढोलक की थाप में होता है, गाने वाले के लय पर होता है, राज्य की तरफ ध्यान नहीं होता। इसलिए वास्तविक आरती तो ये है कि हम एक स्थान पर बैठें, आंख बंद करें, हृदय में यह भाव लें कि तन दीपक मन ज्योति करो, हम अपने मन को राज्य के प्रेम रूपी घृत डाल करके ज्ञान के लौ से प्रकाशित करें, ये सबसे बड़ी आरती है। बाकी भौतिक आरती तो दुनिया वालों के लिए है। तो इस प्रकार, क्योंकि वहां साक्षात श्री जी विराजमान है, सुंदर साथ श्री जी की आरती करते हैं। और क्या कहते हैं, आरती केवल सुंदर साथ नहीं करते, सुंदर साथ श्री जी की आरती कर रहे हैं, जिस तन की वो आरती उतार रहे हैं। वैसे सुंदर साथ ने तन के भाव से आरती नहीं की है, पर सामने विराजा कौन है, मिहिर राज जी का शरीर। तो उस समय इंद्रावती जी की आत्मा भी मन ही मन मूल स्वरूप की आरती कर रही होती है। इसलिए वो क्या कहती हैं कि तन मन जीव न्युछावर किन्हों श्री इंद्रावती चरणों लागी। इंद्रावती जी अपने हृदय के प्रेम को आरती के रूप में करती हैं और युगल स्वरूप का मूल स्वरूप की वो आरती उतारती हैं। अब आरती करने के बाद क्या कहते हैं, इत धुन सूरज मन करे आरती बोध। वहां सूरज मन एक सुंदर साथ है, वो आरती के धुन को गाते हैं और उसके बाद क्या कह रहे हैं, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। युगल स्वरूप का नाम लेते ही सभी प्रकार के विरोध समाप्त होते हैं। जिनकी आरती की जा रही है वो कौन है, यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ कामा। किनकी आरती हो रही है, ये अक्षरातीत है, यही धाम के धनी है, मोहम्मद के तीनों सूरत भी इन्हीं में है, इमाम मेहदी भी यही है, ईसा रू अल्लाह भी यही है। इस तरह वेद और कतेब दोनों पक्ष से जो अक्षरातीत हैं ये यही है, ये कोई संत कवि महापुरुष नहीं है, और यही सबकी कामनाओं को पूरी करने वाले, लौकिक कामना नहीं, ब्रह्मात्माओं की जागनी के कार्यक्रम को। इस प्रकार आरती होती है और आरती करते करते रात्रि का प्रथम प्रहर भी समाप्त हो जाता है। अब क्या कहते हैं, अब पांचवा प्रहर समाप्त हो गया, छठा प्रहर प्रारंभ होने वाला है। तो पांचवें प्रहर के अंत में छठे प्रहर के प्रारंभ से पहले श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। ये जो चौपाई है, सुंदर साथ चर्चा से पहले गायन करते हैं या जो चौपाई पढ़ने वाले होते हैं सुंदर साथ, वो इस चौपाई को चर्चा से पहले उच्चारित करते हैं, प्रत्येक चर्चा से पहले बीतक के समय में। मैंने शायद पहले भी बताया है इस बात को कि मैं एक बार किसी जगह पर बीतक के लिए गया हुआ था, आज से लगभग 8-9 साल पहले। तो अब मेरी आदत है, मैं चर्चा से पहले इस चौपाई को नहीं गाता हूँ, मैं किसी भी चौपाई को नहीं गाता क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गा सकूँ। मैं गाने लग जाऊँगा तो हो सकता है कि आधे लोग उठ के चले जाएं, इसलिए मैं नहीं गाता हूँ। तो अब सुंदर साथ ने प्रश्न किया, आपस में खुसुर खुसुर होने लगी कि ये तो जो महामती कहे साथ जी, भैया चर्चा का बखत इस चौपाई को नहीं गाते हैं, परंपरा का विरोध क्यों करते हैं, इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया। जब बात मेरे पास आई तो मैंने कहा कि आप लोगों को पता है ये चौपाई कहाँ की है, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सुना था उन्होंने पर पढ़ा नहीं था। मैंने कहा ये बीतक के पांचवें प्रहर की अंतिम चौपाई है, छठा प्रहर में श्री जी चर्चा करने वाले हैं, और श्री जी जब चर्चा करने वाले हैं तो या तो कुरान या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ या फिर
कुछ और बांचने के लिए, पढ़ने के लिए श्री लालदास जी वहाँ पर श्री जी के साथ विराजमान होते हैं। तो इस चौपाई का अगर हम अभी गायन करते हैं तो भाव ये निकलेगा कि जो चर्चा कर रहे हैं वो श्री जी के, आप अपने आप को समकक्ष समझ रहे हैं, और जो चौपाई पढ़ रहे हैं वो अपने आप को लालदास जी के समकक्ष समझ रहे हैं, क्योंकि ये चौपाई तो श्री जी और लालदास जी के लिए प्रयुक्त हुई है, और मैं श्री लालदास जी की चरण धूलि होने के भी अभी काबिल नहीं हूं, इसलिए मैं इस चौपाई का गायन नहीं करता। तो ये प्रसंग है, अब पांचवें प्रहर की लीला समाप्त हो गई। श्री लालदास जी कह रहे हैं कि अब चर्चा का समय हो रहा है, रात्रि के 9 बजे से चर्चा प्रारंभ होती है। अब कहूं प्रहर छठे की, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरोह बुजरग। जो विशेष ब्रह्मात्माएं हैं, सुनने वाले कौन है, बैठने वाले बहुत कुछ हैं, बैठने वालों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ तो सुनने वालों की बात हो रही है कि सुनते कौन है, जो वास्तव में ब्रह्मात्माएं हैं। नहीं तो कुछ लोग बैठते हैं और अंदर ही अंदर हो रहा होता है कि कब समय पूरा होता है, चौपाई दोहरा ये बोलेंगे और फिर चले जाएंगे। महामती आए जान छुड़ाए बोलते हैं ना, महामती वाली अंतिम चौपाई आती है और कहते हैं कि चलो अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। तो यहाँ वास्तव में सुनने वालों की बात हो रही है। बंगला जी दरबार में केशव दास जी हैं, वाणी लेकर के बैठते हैं, जो वाणी अवतरित हो चुकी है। लालदास जी कुरान और हदीसों को पढ़ने के लिए बैठते हैं, गोकुलदास जी भी इसी सेवा में बैठे हुए। मुरलीधर जी का नाम जब जब भी श्री जी चर्चा करते हैं वहां आता है कि मुरलीधर जी श्री जी के सामने बिल्कुल पलक भी झपके बिना बैठते हैं और सुनते हैं, मुख से मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन, श्री जी के मुखारविंद के सामने अपना मुख करके अपने श्रवणों से अपने कान से सुनते हैं। इस समय एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण जी भी आते हैं, दुर्ग भान जी भी हैं छत्रसाल जी के साथ, ये सब चर्चा सुनने आते हैं और कहते हैं कि और दुर्ग भान पिछल जाके धनिये पकड़े हाथ। ये सब चर्चा सुनने वाले कौन हैं, धामधनी जिनका हाथ पकड़ते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। पहले प्रहर से नाम आ रहा है छत्रसाल जी का, ये छठा प्रहर है और यहां राजी हाथ पकड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि राजी छत्रसाल जी का तो हाथ पकड़ते हैं और बाकी किसी का छोड़ देते हैं, किसी किसी का पकड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को तो जाके धनिये पकड़े हाथ नहीं कहा है। तो सच्चाई ये है कि जो सुंदर साथ, जो भी ब्रह्मात्माएं अपना हाथ राजी की तरफ बढ़ाते हैं, राजी उनका हाथ पकड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। राज्य चाहे तो सबका हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर माया में भेजने का औचित्य ही नहीं हुआ। जब हमने राज्य से वचन दिया है कि 100 बेर देखो अजमाए के, आप 100 बार अजमा करके देख लीजिए, और उसके बाद भी हम राज्य से ही उम्मीद लगा के बैठे कि राज्य उनको जगा रहे हैं, हमें क्यों नहीं जगा रहे, उनका हाथ पकड़ रहे, हमारा क्यों नहीं पकड़ रहे। जिन जिन का हाथ राज्य ने पकड़ा है, अवसर हम सबको है, पर हमने क्या अपना हाथ राज्य की तरफ दिया है? इसलिए बाकियों का हाथ नहीं पकड़ा है या नहीं पकड़ेंगे ऐसा नहीं है, पर हमें भी उन सब की तरह अपना हाथ धनी की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपना हाथ माया की तरफ बढ़ाया है और हाथ तो एक ही है, और राज्य जबरदस्ती माया नहीं छुड़ाते, क्योंकि हंसी भी करनी है ना। अब जबरदस्ती छुड़ा लेंगे तो क्या होगा, हंसी का अच्छे से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए देखते हैं कि अच्छा देखते हैं कब तक सो रहे हैं। वायदा किया था 4 बजे उठने का और सुबह के 11 बज चुके हैं, दोपहर के 12 बज चुके हैं, उसके बाद भी नहीं उठ रहे हैं। तो अब देखने वाले देखते रहेंगे कि अच्छा सुबह 4 बजे का वायदा करके कितना सो सकता है व्यक्ति। अगर सुबह सुबह ही उठा दिया तो क्या होगा, ज्यादा मजा नहीं आएगा। अब 4 बजे सोने वाले व्यक्ति को 5 बजे उठा दिया तो इतनी हंसी नहीं आएगी। अब इस प्रकार छठे प्रहर में चर्चा प्रारंभ होती है और सुनने वाले कौन हैं, कह रहे हैं कि और साथी केतिक आवे निष्ठाबंद, कोई आवे मरजात में कोई परवाह की सनंद।
तीन प्रकार के लोग सुनने वाले आ रहे हैं। कोई आते हैं निष्ठाबद्ध रूप से, जिनको पुष्टि कहा गया है, दृढ़ता के साथ में। कोई आते हैं मर्यादा में। मर्यादा में क्यों? कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, यदि हम नहीं जाएंगे तो फिर कल श्री जी को प्रणाम करने जाएंगे तो पूछेंगे या कोई पूछ लेगा, तो मर्यादा है थोड़ी। प्रवाह में यह है कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो चलो हम भी चले जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे की देखा देखी ये होती है प्रवाह। कई बार हमारे समाज में ये एक प्रचलन चला है कि जिन्होंने तारतम ग्रहण नहीं किया उसको हम प्रवाही बोलते हैं और तारतम लेने वाले को सुंदर साथ बोलते हैं। यहाँ तो जो सुंदर साथ पन्ना जी पहुंच चुके हैं, किस अवस्था में होंगे? जिस भी अवस्था में होंगे हमसे तो अच्छे ही होंगे, फिर भी उन्हें प्रवाही कहा जा रहा है या मर्यादी कहा जा रहा है। तो इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जिसने तारतम नहीं लिया वो प्रवाही है। प्रवाही का अर्थ होता है कि कुछ भी कर रहा है पर देखा देखी कर रहा है, समझ कर कि अपने आत्म कल्याण हेतु नहीं कर रहा है, इसलिए वो प्रवाही है। तो सुंदर साथ भी इसी प्रकार से है। इसी तरह ये तो आने वालों की बात हो गई, ग्रहण करने वाले भी उसी प्रकार से पुष्टि प्रवाह और मर्यादा में, तथा उस पर चलने वाले भी पुष्टि प्रवाह और मर्यादा में है। इस तरह से एक एक के तीन तीन और फिर तीन तीन के नौ होते हैं, नौ भेद। और फिर सुनने वाले पुष्टि प्रवाह और मर्यादा से, ग्रहण करने वाले भी पुष्टि प्रवाह और मर्यादा से, तथा उस पर चलने वाले भी उसी प्रकार पुष्टि प्रवाह और मर्यादा से, ये तीन प्रकार से। अब सुंदर साथ में भी अवस्था कैसी है? तीन गुणों से युक्त संसार है, तो किसी की सात्विक प्रवृत्ति है, किसी की राजसी प्रवृत्ति है, किसी की तामसी प्रवृत्ति है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति। कोई व्यक्ति शत प्रतिशत सतोगुणी नहीं होता है, कोई व्यक्ति शत प्रतिशत रजोगुणी या तमोगुणी भी नहीं होता है, ये अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से सात्विक हो जाए तो वो कोई लौकिक कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि लौकिक कार्य इच्छा के बिना तो नहीं किया जा सकता है, और इच्छा होने के लिए रजोगुण होना आवश्यक है। पूर्ण रूप से सतोगुणी व्यक्ति को इच्छा नहीं हो सकती है। इसी तरह से निद्रा जो है वो तमोगुण का लक्षण है। यदि हमारे अंदर तमोगुण ना हो तो क्या होगा? नींद ही नहीं आएगी और कुछ समय के बाद में शरीर हमारा बीमार पड़ जाएगा। तो शरीर के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता है, पर यह निर्भर करता है कि वो हम पर कितना हावी हो रहा है। उन तीनों गुणों को वश में किया जा सकता है आहार विहार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, लेकिन तीनों गुण सब में होते हैं। तो वो जो सुनने वाले सुंदर साध्वी हैं उन सब में तीनों गुण है। इस प्रकार भेद करते करते कहते हैं फिर बांटे तीन बेर, ताके 81 भय पक्ष और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, कहें उन ऊपर अलग। यहाँ पर 108 पक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो अलग अलग पक्ष को बता रहे हैं केवल। यहाँ वल्लभाचार्य जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कबीर जी के पंथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल इतना बता रहे हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं। तो 25 पक्ष परम धाम के हैं, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, जैसे धाम तलाव कुंज बन सोहे माणिक नहरे बन की जो इत्यादि। तो इस तरह श्री जी जब चर्चा करते हैं तो सुनने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब श्री जी की चर्चा में उस 25 पक्ष का वो वर्णन करते हैं, कभी कभी खेल देखने के कारण की व्याख्या करते हैं, कभी हम किस प्रकार खेल में आए उसकी बात करते हैं, कभी ब्रज की लीला की चर्चा करते हैं, ब्रज लीला में किस तरह हमने 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की, 11 वर्ष की प्रेम लीला जिसमें गोपियों ने कैसे प्रेम निभाया था और 52 दिन की जुदाई
कि किस कारण से जुदाई सहनी पड़ी थी, फिर रास की भूमिका किस तरह से वहां पर राज जी ने उथले वचन कहे थे, किस तरह से ब्रह्मात्माओं की परीक्षा ली थी, उसके पश्चात कैसे आनंद की लीला हुई, कैसे राज जी अंतर्ध्यान हुए, कैसे पुनः प्रकट हुए, फिर किस तरह से रास की लीला निरंतर हुई, और उसके पश्चात रास लीला के पश्चात हम परमधाम में जागृत हुए, मनोरथ पूरे न होने के कारण पुनः इस माया के संसार में आना पड़ा, ये सारा वर्णन करके श्री जी सुनाते हैं। और एक दिन की चर्चा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कल भी मैंने कहा था कि इस प्रकार की बातें केवल पन्ना जी में ही 10 वर्षों से अधिक समय तक हुई है। चर्चा तो पहले भी होती थी ना, जहां से जागनी यात्रा प्रारंभ हुई है चर्चा तो होती आई है, पर ये पन्ना जी की बात कर रहे हैं कि पन्ना जी में श्री जी इस प्रकार चर्चा करते थे। अब ऐसी चर्चा करते करते रात के भी 2 प्रहर बीत जाते हैं, तो रात के लगभग 12 बजे हैं। कभी कभी कहते हैं कि ए लीला केती कहूं रात होत पहर दोए, कोई समय 3 जात हैं चर्चा कही समझावे सोए। अब तो अभी तो 2 प्रहर रात के समाप्त हुए हैं, लेकिन कभी कभी तो रात के 3 प्रहर भी व्यतीत हो जाते हैं, अर्थात लगभग 3 बज जाते हैं चर्चा करते करते, कभी 12, 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग दिनों में भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुरूप श्री जी चर्चा समाप्त करते हैं। तो साधारण जो नियम है, साधारण दिनचर्या है, वो ये है कि रात्रि के 2 प्रहर अर्थात 6 प्रहर तक चर्चा होती है, और उसके बाद श्री जी पौड़ते हैं, लेटते हैं, लेटे लेटे वाणी गायन इत्यादि सुनते रहते हैं, सुंदर साथ जो चर्चा की अर्चा करते हैं उसे सुनते रहते हैं। लेकिन कभी विशेष घटना होती है तो फिर चर्चा लंबी चलती रहती है। तो इस प्रकार अब 6ठा प्रहर समाप्त हुआ, 7वां प्रहर रात के 12 बजे से आगे बढ़ने वाला है। श्री जी के लेटने के लिए नारायण दास जी और द्वारका दास जी, गंगा दास, परमानंद, ये सब मिल करके जिस पलंग का वर्णन कल की चर्चा में हमने सुना था, या परसों की चर्चा में, प्रथम प्रहर की चर्चा में, तो उस पलंग को अब यहां पर सुंदर साथ ने तैयार किया है 7वें प्रहर में, जिसका वर्णन पहले हो चुका है कि वो पलंग, वो बिस्तर, वो बिछौना जिस पर श्री जी को पौड़ना है वो कैसा है, उसको तैयार करके वल्लभ दास जी आते हैं और आकर के श्री जी से अर्ज करते हैं। क्या कहते हैं कि आन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए, धाम धनी याद कीजिए समया पहुंचा दाए। कहते हैं धाम धनी, अब वो समय आ गया है, तो याद किसको करना है, धाम के धनी को। सब सुंदर साथ से अर्जी करते हैं कि आप सभी, क्योंकि जागनी का समय आ चुका है, आप धाम धनी को याद कीजिए, श्री जी के पौड़ने का समय हो चुका है, तो अब श्री जी यहाँ से उठेंगे पर सब सुंदर साथ राज जी को याद करेंगे। अब तुरंत नहीं उठते, कहते हैं चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन। चूंकि सुंदर साथ स्वाद लेकर के सुन रहा है, तो सुनाने वाले श्री जी हैं, उन्हें भी उसका वर्णन करने में उसी प्रकार का स्वाद आता है। देखिए श्रोता के ऊपर बहुत हद तक जो मूड है, वक्ता की मनस्थिति निर्धारित होती है। यदि श्रोता एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, उत्साह पूर्वक सुनने वाले हैं, वक्ता सुनाता जाएगा। यदि समय का बंधन ना हो तो वक्ता बोलते जाएगा, श्रोता सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। और यदि मान लीजिए कि आधे घंटे के लिए भी चर्चा करनी है और उस पर भी सुंदर साथ या सुनने वाले कभी पीठ खुजा रहे हैं, कभी कान खुजा रहे हैं, कभी सिर दबा रहे हैं, कभी कपड़े खींच रहे हैं, कभी झूल रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, यदि इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, वक्ता का मन चर्चा में नहीं लगेगा। यह सुनने वाले भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और सोचिए 5000 की जमात है,
उसमें कुछ तो अच्छे श्रोता मिल ही जाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे ना जो पुष्टि में सुनते होंगे, अपनी आत्म जागृति के लिए सुनते होंगे, जिन्हें माया से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें इस बात से भी लेना देना नहीं कि उनके बगल में बैठा हुआ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। एक भी श्रोता मुरलीधर के जैसा मिल जाए तो बोलने वाले का आनंद बढ़ जाता है। ये बात केवल वक्ता पर लागू नहीं होती है, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे वो बोलने वाला हो, या किसी भी तरह का कला प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति भी हो, उसकी कला को भी यदि सराहने वाला कोई होगा, कोई एक भी होगा, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। अब श्री जी देख रहे हैं कि ब्रह्मात्माएं बैठी है प्रेम से, तो श्री जी भी चर्चा को निरंतरता देते हैं। बीच में यदि कोई सुंदर साथ सवाल करते हैं तो क्या कह रहे हैं, सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फिर चर्चा तीन पर होते हैं रस घटे न क्यों एकर। कोई यदि बीच में प्रश्न कर देता है तो श्री जी उस पर चर्चा करते हैं, पहले उसका उत्तर देते हैं फिर उसी की व्याख्या में चर्चा करते हैं। तो इस तरह, क्योंकि प्रसंग बदल गया, एक ही प्रसंग में लगातार कई घंटे तक सुनने में हो सकता है कि ऊब जाए, पर बीच में कोई प्रश्न कर देता है श्री जी फिर चर्चा का विषय बदल करके उस विषय में चर्चा करने लगते हैं, तो इस तरह से चर्चा का आनंद कभी भी नहीं घटता है। इस समय लालदास जी कभी कतिप पक्ष की कोई बातें मिलती है, कोई आयत मिलती है, तो ले करके आते हैं और कहते हैं कि श्री जी साहेब इसे देख लीजिए, ये हम सब के लिए या हम ब्रह्मात्माओं के लिए कहा है, उसको पढ़ते हैं, चित दे करके श्री जी सुनते हैं। फिर अब जयंती दास जी आते हैं और आकर के श्री जी से आग्रह करते हैं, पहुड़ने की लेटने का आग्रह करते हैं। गोकुल दास जी हदीस इत्यादि लेकर के आते हैं जिसे केशव दास जी पढ़ करके सुनाते हैं। सब सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब रात्रि के सातवें प्रहर की भी कई बार दो घड़ी चार घड़ी व्यतीत हो जाती है, चार घड़ी मतलब लगभग डेढ़ घंटे बीत जाते हैं, लगभग रात के डेढ़ बज गए, कभी दो बज गए, इस तरह से करते करते। और कहते हैं कि ये तो सामान्य दिनों की बात हो गई, यदि महाराजा छत्रसाल जी आए हैं चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि प्रतिदिन तो नहीं आ पाते होंगे, कभी दूर दराज भी जाना पड़ता होगा राज्य के काम से, पर जब कभी महाराजा छत्रसाल जी होते हैं तो फिर कोई टोकने नहीं आता है, उनको लगता है कि अब श्री जी को तो थकान नहीं होती, वो महसूस ही नहीं करते, क्योंकि बोलने वाले कौन है, साक्षात अक्षरातीत, उनके अंदर राज्य का जोश बोल रहा है। तो सुंदर साथ भी ये सोचते होंगे कि छत्रसाल जी को हर दिन तो मौका नहीं मिलता है, तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जब महाराजा हो वहीं देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। सुंदर साथ भी श्री जी की चर्चा के अधीन हुए हैं। अब बाईजीराज जी आती हैं और सुंदर साथ को वो इशारा करती हैं हाथ से, समय दिखाती होंगी कि कब तक श्री जी बोलते रहेंगे, क्योंकि शरीर तो इस संसार का ही है, थकान होती है। हम तो मैं कह रहा हूं कि अभी डेढ़ घंटे की जगह पर सबको कह दिया जाए कि एक प्रहर चर्चा सुनिए, तीन घंटे हम थक जाते हैं। साल में एक बार हमारा वार्षिक उत्सव होता है सात दिन का, और उस सात दिन में भी हमारे जिम्मे कोई खास सेवा नहीं होती है, तब भी यदि पूरे दिन में मिलाकर के मंच का कार्यक्रम आठ घंटे यदि रखते हैं तो उस आठ घंटे में हमें कितनी थकान होती है हम जान सकते हैं। तो सोचिए कि उस समय सुंदर साथ सारी सेवा करते थे और सभी सेवा निभाते हुए भी इस तरह से श्री जी चर्चा कर रहे हैं। उस समय तो केवल आठ घंटे का कार्यक्रम नहीं होता था, केवल चर्चा चर्चा ही आठ घंटे की होती थी, चितवनी अलग है, सेवा अलग है। तो इस तरह से सुंदर साथ बैठे हैं तो बाईजीराज जी को लगता है कि अब श्री जी भी थक गए होंगे, सुंदर साथ भी थके हुए हैं, वो इशारा करते हैं। श्री जी भी देखते हैं कि सुंदर साथ उठने को अब तैयार हुआ है, तो एक बार पुनः परम धाम का वर्णन करते हैं, स्वरूप का वर्णन करके कहते हैं
तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौढ़ने की ठौर। श्री जी के श्री जी वर्णन करते हैं कि राज्य के पौढ़ने की ठौर कौन सी है, कहां पर सुरता लगा रहे हैं, परम धाम में पांचवी भूम में रंग प्रवाली मंदिर में सुरता लगाते हैं कि तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौढ़ने की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद ल्याओ न और। अब ये समय है सोने का, लोग जाएंगे आराम करेंगे, पर आराम करते हुए भी सुरता कहाँ पे होनी चाहिए, राज्य जहां पर पौढ़ रहे हैं उस रंग प्रवाले मंदिर में अपनी सुरता लगाएं, जहां पर सब ब्रह्मात्माओं के लिए सब सखियों के लिए अलग अलग मंदिर है और वहां पर राज्य और आपके अलावा और कोई नहीं है, वो रंग प्रवाली मंदिर उस पर सुरता लगाइए। इस तरह से श्री जी सबको आग्रह करते हैं। वल्लभ दास जी आते हैं और वल्लभ दास आकर के क्या करते हैं, श्री धाम धनी की वृत्त, परम धाम की वृत्त को वो दोहराते हैं। संझा से आधी लग कहता कोमल चित, अपने कोमल हृदय में भाव लेकर के, क्योंकि शाम के समय में तो चितवनी एक बार कराई जा चुकी है, हुआ संध्या को अवसर कह करके, उसके बाद से लेकर के अब तक की संपूर्ण वृत्त उसको वो एक बार दोहराते हैं। अब उसके पश्चात श्री जी उठ करके माणिक भाई जी के घर में पधारते हैं। श्री जी का हाथ पकड़ करके एक तरफ लाल दास जी हैं या लच्छीदास जी हैं या फिर मकरंद जी हैं, ये हाजिर रहते हैं उस सेवा में। अब सोचिए रात्रि के लगभग 1:30-2 बजे हैं और अभी भी सुंदर साथ के मन में ये भाव है कि श्री जी चल रहे हैं तो जमीन में पैर ना हो, अभी भी सुंदर साथ पावड़े बिछाते हैं, पावड़े बिछावन होते हैं, हाजिर रहे हिम्मत। हिम्मत सुंदर साथ का नाम है और रात्रि के 1:30 बजे उस नींद की पराकाष्ठा वाली अवस्था में अगर पावड़े बिछाने की सेवा करने तो वास्तव में हिम्मत लगती है। सोचिए कि आपके घर में यदि मेहमान आने वाले हों, आज तो फिर भी लोग निशाचर हैं, निशाचर समझ रहे हैं ना, रात को जगने वाले, मोबाइल चला चला करके 1:30 बजे तक जगना लोगों के लिए आसान काम है, अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन उस समय जब लोग अपनी प्राकृतिक दिनचर्या का अनुसरण करते थे, उस समय भी सेवा के लिए सुंदर साथ रात रात को जग रहे हैं या रात रात भर जग रहे हैं। आज भी हमें 1:30 बजे तो बहुत अधिक नींद आई होती है और यदि हमें कहा जाए, जिनकी आदत 10-11 बजे सोने की हो उनको कहा जाए 11 बजे तक जगनी है, या तो कोई मनोरंजन का साधन चाहिए है कि नहीं, या तो फिर जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो व्यक्ति इतना अधिक प्रिय हो कि उसके आगमन की खुशी में नींद ही ना। सुंदर साथ की ये वाली अवस्था है कि जिनकी सेवा करनी है वो प्रियतम है हमारा, वो हमारी आत्मा का प्रियतम, इसलिए वो जाग पाते हैं, इसलिए उनमें वो हिम्मत आती है, वो ऊर्जा आती है, इसलिए वो कभी थकते नहीं हैं। जब भी सेवा की बात होती है और जब भी सेवा में थकान की बात होती है, मुझे एक दृष्टांत याद आता है, मैंने इससे पहले भी एक बार दिया था, हमारे आदरणीय चौहान जी ने यह दृष्टांत कभी दिया था किसी समय में, मुझे ये दृष्टांत याद आता है। कहते हैं कि एक बार एक बच्ची जो कि लगभग 5-6 साल की है, वो अपने कमर में ऐसे भाई को लेकर के खड़ी, अपने भाई को, वो भाई लगभग 2-3 साल का होगा और ये वास्तविक सच्ची घटना है, वो भिक्षा मांग रही है अपने भाई को उठा करके, उसके माता पिता का ठिकाना नहीं होगा या जो भी होगा। तो किसी रिपोर्टर ने देखा और कहा कि तुम इतनी कम उम्र में भिक्षा मांगती हो, तो बोले कि कमाने के खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने पूछा कि ये भार नहीं लगता है, तुम अभी 5-6 साल की हो और ये जो बच्चा है तुम्हें भार नहीं लगता है? वो बच्ची कहती है कि ये भार नहीं है, ये भाई है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी से अपनत्व है तो फिर थकान महसूस नहीं होगी, तो फिर भार महसूस नहीं होगी।
सेवा करते समय भी कई बार मैं देखता हूं कि सुंदर साथ अपनी सामर्थ्य से अधिक कर जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ इनमें अपनत्व है। और हम जैसे कई ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो एक घंटे की, डेढ़ घंटे के, दो घंटे के परिश्रम में हम थक जाते हैं। कई बार विद्यार्थी भी कहते हैं कि गुरु जी थक गए, बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी वो अपनत्व नहीं आ पाया है। यदि हम अपने संसार के घर में होते और मान लीजिए कि एक छोटा सा लौकिक उदाहरण में दूं, दीपावली से पहले घर की सफाई होती है, ठीक है, चूंकि वो हमारा घर है इसलिए हम ये नहीं कहते कि थक गए अब बाद में करेंगे, नहीं, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम थकान को एक तरफ रखेंगे और करेंगे। लेकिन चूंकि हमने इस मिशन को या ज्ञानपीठ को अपना नहीं माना है इसलिए हमें थोड़ी देर में थकान लगनी शुरू होती है। जिन्होंने भी इस मिशन को अपना माना है उन्हें थकान नहीं होगी, और जिनका ये मिशन होता है, जो कहते हैं कि ये मेरा मिशन है, जागने का मिशन, फिर वो रात को 11 बजे सो करके 2 बजे उठ जाएं और उसके बाद सुबह 6 बजे से लिखने लग जाएं, दिन में 6-6 घंटे लिखें, प्रतिदिन 8-8 घंटे चितवनी करें, लंबी लंबी यात्राएं करें, दिन में 3-3 बार मंच पर बैठें, इतना करने के बाद भी, सुंदर साथ की किचकिच सुनने के बाद भी नहीं थकते। कौन नहीं थकते? जो इस मिशन से जुड़े हैं या जो इस मिशन को अपना मानते हैं। तो सुंदर साथ भी रात के 1:30-2:30 बजे इस तरह से उत्साहपूर्वक सेवा करने के लिए कैसे तैयार हैं? क्योंकि श्री जी उनके अपने हैं, और हमने तो क्योंकि राज जी को 8वें-10वें नंबर पर रखा है ना, पहले हमारे लिए ये आते हैं, फिर वो आते हैं, ऐसे करते करते जब हमारी उंगलियां खत्म हो जाती है तब राज जी आते हैं। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि पन्ना जी में पहुंची हैं उनके लिए पहले नंबर पर भी श्री जी हैं और आखिर स्थान पर भी श्री जी, उनके लिए राज जी के अलावा और कोई है ही नहीं, इसीलिए वो उत्साह पूर्वक सेवा कर पाते हैं। अब पावड़े पर चलते हुए, मस्ती भरी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए श्री जी माणिक भाई जी के घर में पहुंचते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ करके श्री जी सुंदर साथ के प्रश्नों का प्रेम पूर्वक हंसते हुए उत्तर देते हैं। अब क्योंकि 5000 लोगों की जमात है, उसमें मैंने पहले भी कहा कि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के सुंदर साथ हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हर प्रकार की प्रजा है वहां पर। कहते हैं जहां पर दो बर्तन एक साथ रखे होते हैं हिलने पर बजते तो हैं, तो जहां 5000 लोग होंगे तो किसी न किसी प्रकार के विवाद होना स्वाभाविक है। यदि कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि 10 वर्ष में कोई ना कोई तो हुई ही होगी, प्रतिदिन भी हो सकती है इतने सारे लोगों में, तो श्री जी माणिक भाई जी के घर में उन सुंदर साथ का न्याय करते हैं, दोनों पक्ष को सुन करके जो भी श्री जी को उचित लगता है वो वहां पर न्याय करते हैं। फिर यहां से उठ चले आए सेज पौड़ने बखत, अब वहां से चल करके अपनी सैया पर, अपनी सेज्या पर पहुंचते हैं और सब सुंदर साथ श्री जी को आकर के प्रणाम करते हैं और अपने अपने आसन पर जहां उनका उतारा है, जहां उनको ठहरना है वहां जाते हैं। अब रात्रि के लगभग 1:30-2 बजे हैं, गोदावरी जी आती हैं कटोरी में तेल लेकर के और श्री जी के बालों में तेल लगाती हैं, और तेल लगाते हुए श्री जी से बात करती हैं, क्या कहती हैं, चोटी छोरे बातां करें राज भला दिखाया हमें खेल। कहते हैं राज जी आपने बहुत अच्छी माया दिखाई, आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया। अच्छा खेल क्यों दिखाया? किस किस को खेल अच्छा लगता है? कई लोग होंगे जिसको खेल अच्छा लगता होगा, पर सबके खेल के अच्छा लगने का प्रयोजन कारण अलग अलग होगा। किसी को माया में अच्छा लग रहा है, अच्छा कमाया जा रहा है, कमाई अच्छी हो रही, नौकरी अच्छी मिली है,
रिश्तेदार अच्छे मिले होंगे, किसी को पति अच्छा मिला होगा, किसी को पत्नी अच्छी मिली होगी, तो माया अच्छी लग रही होगी क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो ये भी कहेंगे कि राज जी आपकी हम पर बहुत मेहर है, यदि राज जी को याद करेंगे तो। ऐसे लोगों को भी खेल अच्छा लगता है। और दूसरे जिन्होंने तकलीफ बहुत अच्छे से देखी पर इसके बावजूद भी खेल उनको अच्छा लग रहा है, इस ये अच्छा लगने का कारण क्या है? क्योंकि जागनी ब्रह्मांड वह अवसर है जहां हम परम धाम से भी अधिक सुख ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस दुखमयी संसार में जिस परम धाम में अनंत आनंद ही आनंद है, उससे अधिक सुख कैसे ले सकते हैं? इसका समाधान क्या है कि चूंकि परम धाम में तो भूख है ही नहीं, इसलिए वहां भोजन का स्वाद नहीं आ सकता। भोजन करेंगे पर भोजन का स्वाद नहीं आएगा। परम धाम में दुख ही नहीं है, इसलिए वहां आनंद ही आनंद में डूबने पर भी उस आनंद का स्वाद नहीं आता, जिसको हम यहां वाणी की भाषा में लज्जत कहते हैं। और चूंकि इस संसार में दुख है, इस दुख के कारण हम इस संसार में परम धाम के सुख का और अधिक रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए राज्य की मेहर क्या है वास्तव में कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। इसीलिए गोदावरी बाई कहते हैं राज्य आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया, खेल इतना अच्छा है कि इसके आनंद का वर्णन हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जिसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखा है, उसके पास याद करने के लिए कुछ खास है ही नहीं, क्या याद करेगा वो? या अपने मित्र मंडल में बैठेगा तो क्या बात करेगा? बात ही खत्म हो जाएगी उसकी अगर उसने अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं किया होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं देखी होगी, तो कुछ भी नहीं होगा उसके पास कहने के लिए, याद करने के लिए। लेकिन जिसने अपने जीवन में बहुत अधिक दुख सहा है और सुख प्राप्त किया है, उसको उस सुख से अधिक स्वाद तब आता है जब वो उस सुखद अवस्था में बैठे हुए दुख के दिनों को याद करता है। ये वास्तव में इस संसार की वास्तविकता है। इसलिए क्योंकि पन्ना जी में तो वो सुंदर साथ पहुंचे हैं ना, जो जिन्होंने शाहजहांपुर बोड़िया में भी मौत को देखा है, महामारी को, जिन्होंने रामनगर में भी मृत्यु को देखा है नजदीक से, जिन्होंने 8 महीने तक भिक्षा मांगी है मंदसौर में, औरंगाबाद से निकलने के बाद भी भिक्षा में गुजारा होता है, तो हर प्रकार का दुख उन्होंने देखा है। बीच बीच में क्षणिक मिश्रित सुख भी है। और इन सभी दुख को देखते हुए जब पन्ना जी पहुंचे, हर प्रकार के अहंकार को, हर प्रकार की मायावी ग्रंथि को राज जी ने विभिन्न बहानों से दूर किया है, तो जिन ब्रह्मात्माओं को ये बात समझ में आई है कि इससे पहले जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो राज जी की मेहर है, कि महामती कहे तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। क्योंकि इससे ठीक पहले शुक्राना का वर्णन किया है पन्ना जी की वितक, अष्ट प्रहर की वितक से पहले। तो इसीलिए अब ब्रह्म मुनियों को जो जागृत है उनको एक एक चीज का पता है, इसलिए कहते हैं कि राज जी आपने बहुत अच्छा खेल हमें दिखाया है। अब बिहारी दास जी जो सुंदर साथ हैं, सर्दी की ऋतु में अंगीठी भर करके लेके आते हैं, अंगारे भर करके गर्म करने के लिए। यदि सर्दी की ऋतु हो तो पहले बिस्तर को गर्म किया जाता है और फिर श्री जी के पास वो अंगीठी रख दी जाती है। श्री जी की टोपी को भी उस अंगीठी से गर्म करके पहनाया जाता है। मुरलीधर जी भी श्री जी से विदा लेकर के जाते हैं। और जो साधारण जीव सृष्टि है सुंदर साथ में से, वो भी चले जाते हैं। श्री राज पौढ़े पलंग पर सबको कही प्रणाम,
गावन वाली आइयां अढ़ाई पहर गई जामरात के ढाई प्रहर बीत चुके हैं और अब गाने वाले सुंदर साथ आते हैं और उन गाने वालों में भी कौन है बदले राग अलापत साखियां लगा कहने शेख बदल राग के साथ साखी कहने लगते हैं और सब जो साथी सुंदर साथ हैं वो साथ में सुर देते हैं श्री राज चित दे सुनत हैं बड़ी खुशाली कर इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर खिजमत अर्थात खिदमत है शब्द इसका अर्थ होता है सेवा तो जो सुंदर साथ सेवा करने वाले हैं वो अपनी अपनी बारी में आते हैं क्योंकि ये गायन की सेवा है मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूँ गायन की सेवा के विषय में उन सुंदर साथ की महानता के विषय में कि ये सुंदर साथ महान कैसे हैं ये सुंदर साथ महान गायक होंगे कैसे होंगे एक बार तानसेन जो कि अकबर के दरबारी गायक थे और बहुत अच्छे गायक तानसेन इतने अच्छे गायक और विशेष रूप से अकबर को इतने अच्छे लगते थे कि उसने बाकी लोगों का गायन ही बंद करवा दिया था कि कोई और गा नहीं सकता था और अगर किसी को गाना हो तो कौन गा सकता था जो व्यक्ति तानसेन को गायन विद्या में हरा देगा संगीत में हरा देगा खैर वो कहानी लंबी है पर मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अकबर ने तानसेन को पूछ दिया कि इस दुनिया में आपसे भी बड़ा कोई गायक है तो कहते हैं कि नहीं मेरे गुरु जो हैं वो तो अवश्य मुझसे बड़े हैं अकबर ने सोचा कि तानसेन ऐसा गाता है तो इसके गुरु कैसे गाते होंगे तो कहते हैं कि मुझे आपके गुरु का गायन सुनना है तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु जी ऐसे नहीं गाते किसी के सामने वो अपनी मर्जी से गाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम जाएंगे छिप करके बैठे रहेंगे जब वो अपनी मर्जी से गाएंगे तब सुन लेंगे गए अब तानसेन के गुरु का नाम है हरिदास जी हरिदास जी जब गाते हैं भाव विभोर होकर के गाते हैं पर कब गाते हैं अपनी मर्जी से अकबर और तानसेन किसी जगह पर छिप करके बैठते हैं हरिदास जी के आसपास जब वो गाने लगते हैं आंख बंद करके भाव में डूब करके उनके गायन को सुन करके अकबर भी भाव विभोर हो जाता है गायन समाप्त होता है तो तानसेन को पूछता है कि आपके गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो क्योंकि उसी गुरु से सिखा है तुमने तो तानसेन ने जो उत्तर दिया वो यहां पर लागू होता है उन सुंदर साथ के ऊपर ये मेरा भाव है तानसेन ने कहा कि मैं इस संसार के राजा के लिए गाता हूं और मेरे गुरुजी इस ब्रह्मांड के राजा के लिए गाते क्योंकि वो तो भक्त थे वो अपने भगवान के लिए गाते थे तो तानसेन ने कहा कि मैं इस संसार के एक साधारण राजा के लिए गाता हूँ बादशाह के लिए और वो बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं इसलिए वो बड़े गायक हैं श्री जी अक्षरातीत हैं और वो ब्रह्मात्मा है वो ब्रह्म मुनि चाहे वो शेख बदल हैं चाहे ललिता सखी हैं चाहे चंद्रावली हैं चाहे मुकुंद दास हैं ये सब जो श्री जी के सामने गाते हैं तो वो किस भाव से गाते हैं हम इस संसार के बादशाहों के भी बादशाह के लिए गा रहे हैं हमारे प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए गाते हैं मैं एक बात बार बार कहा करता हूं विशेष रूप से उनके लिए जो संगीत में रुचि रखते हैं जो संगीत सीखते हैं क्योंकि संगीत भक्ति का साधन है और यदि आप भक्ति संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल राग सीखना पर्याप्त नहीं है भक्ति संगीत के लिए तो राग के साथ में अनुराग भी होना आवश्यक है अनुराग अर्थात प्रेम किसके लिए जिसके लिए आप गा रहे हैं स्वामी जी जितने भी गाने वाले सुंदर साथ हैं विशेष रूप से जो ज्ञानपीठ के विद्यार्थी हैं उनके लिए बार बार कहते हैं कि आपको ये सोच करके नहीं गाना है कि मैं इन 200, 400, 2000, 4000, 5000, 50000 लोगों के लिए गा रहा हूं आपको क्या सोच करके गाना है कि मेरे सामने युगल स्वरूप है
और उनको रिझाने के लिए मैं गा रहा हूँ। जितना बड़ा ऑडियंस उतना अच्छा आर्ट निकल करके अंदर से आएगा, और वो तो सभी ऑडियंस पर भारी है। सोचिए कि राज्य को रिझाने का भाव यदि हृदय में आएगा तो किस भावलीनता के साथ गाएंगे, किस भाव के साथ गाएंगे, तो उस समय जो सुर आपका वैसे नहीं फूटता होगा ऐसे स्वर भी निकल पड़ेंगे, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के नहीं अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भी जिसका दर्शन चाहते हैं उस अक्षरातीत के लिए गा रहे हैं, इसी भाव से गाते हैं शेख बदल। इसी तरह से गाने वाले और भी सुंदर साथ हैं। 14 बारियां मैंने कही थी, वो 14 बारियों के सुंदर साथ बारी बारी से गायन करने आते हैं। अब कोई सुंदर साथ बैठे हुए हैं, कोई सो रहे हैं। मुरलीधर, जयंती दास, ये सब क्या करते हैं, जयंती काका की एक कोठी है, झोपड़ी समझ लीजिए या कोठरी समझ लीजिए, उसमें कुछ सुंदर साथ इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर के श्री जी ने जो चर्चा की है उस चर्चा को वो दोहराते हैं, जिसको वो कहते हैं चर्चा की अर्चा। और जो चर्चा श्री जी ने की उसी विषय पर आपस में बात करते हैं, सबके अपने अपने विचार रखते हैं, कभी 10, कभी 20, 30, 40, 50 और अंत में 100 तक की संख्या पहुंचती है। और ये 100 तक की संख्या कैसी है, जो श्री जी की चर्चा के बाद भी उसको दोहराते हैं, उनको ये नहीं कि हमें जाकर के सोना है, ये ऐसे सुंदर साथ हैं। श्री जी पूछते हैं कि कौन कौन बैठा है, तो एक सुंदर साथ है शंकर, बुद्धसेन और वल्लभ, ये तीन सुंदर साथ हैं। ये आकर के चर्चा में आने वाले सुंदर साथ के नाम बताते हैं। अब किसी दिन श्री जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उन सुंदर साथ पर देखते हैं कि अब तक बैठे हुए हैं, इनकी जो लगन है, इनका जो प्रेम है, इनका भाव है, वो अनुपम है। तो श्री जी उन सुंदर साथ से रीझ करके कभी कलंगी बख्शीश में देते हैं, कभी हार देते हैं। मुरलीधर जी उठते हैं और श्री जी की उस बख्शीश को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि इत कई भांत विहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा के ते कहूं न आवे रसनाए। मेरी इस जुबा से पन्ना जी में उन 10 वर्षों में होने वाली इस प्रकार के लीला का वर्णन मेरी जुबा से नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार 7 प्रहर की बीतक समाप्त होती है। अब 8वें प्रहर की बीतक बता रहे हैं, 8वां प्रहर चल रहा है। अब श्री जी की तरफ से कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, चितवनी नहीं है। श्री जी अब सुंदर साथ की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। गाने वाले सुंदर साथ हैं जो गायन करते हैं, और गायन जो सुंदर साथ कर रहे हैं उनके भाव को यहां पर बताया कि अब कहूं पहर 8वां श्री राज पौढ़े पलंग पर, बानी धाम धनिय की गरजत सब ऊपर। धामधनी की वाणी की गर्जना होती है, और वो ब्रह्मवाणी कैसी है, जो सबसे ऊपर है। कैसी वाणी है, जो इस 14 लोक के ब्रह्मांड को हैया अर्थात अखंड मुक्ति देने वाली है। लेकिन इस ब्रह्मवाणी के बिना आज तक किसी को भी उस एक अक्षरातीत की पहचान नहीं हुई थी। आज लो इन इंड में कबहू काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वहीं, पर काहू न बोए पहचान। इस ब्रह्मवाणी के आगमन से पहले ऐसा कोई भी नहीं हुआ था जिसे उस अक्षरातीत की पहचान हुई हो, चाहे इस संसार के कोई ऋषि मुनि हो, संत साधु हो, यहां तक कि त्रिदेव ही क्यों न हो। प्रकाश की वाणी क्या कहती है, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अग्नि, या वाणी के कारणे कई भैरव झपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटावे। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवतले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल कटावे देह, किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण। किसी को भी वाणी प्राप्त नहीं हुई, किसी को भी अखंड का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ,
उस अखंड के ज्ञान को, उस ब्रह्म की पहचान को प्राप्त करने के लिए। कोई हेम गले अग्नि जले भैरव करवतले, कोई बर्फ में अपने शरीर को गला रहा है, कोई पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि तप समझते हैं क्या होता है? मई जून की तपती दोपहरी में नदी के किनारे गर्म रेती के ऊपर चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठा जाता है, उसे पंचाग्नि तप कहते हैं। हम तो अभी लगभग लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, लेकिन 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए और पंखे बंद हो जाए, पता चलेगा कि हमसे कितनी तपस्या हो रही है। पर यह मई जून की तपती दोपहरी में जब 44-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, उस पर भी रेत गर्म है, ऊपर से धूप और चारों तरफ आग जला करके तप करते हैं। हमें वो तप करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के तप के फल से हमें ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई है। ऐसे ही तो वाणी नहीं मिली है ना, कुछ ना कुछ तो हमने तप किया ही है, तभी जाकर के मानव योनि मिली है। पर मानव योनि मिलना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप है, पर इसका लाभ ले पाना वर्तमान कर्म के फल पर निर्भर करेगा। हमने सोच लिया कि नहीं, वाणी प्राप्त हो गई, निज धाम की गड्डी में हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ये केवल टिकट है, कैंसिल भी हो सकती है, ट्रेन में जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं कि जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों है। मैंने पहले कहा कि ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहा वे त्रिगुण, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये ब्रह्मवाणी नहीं है। श्री लालदास जी कहते हैं कि जब अक्षर के पास ही नहीं थी, क्या कहते हैं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करत। अक्षर को भी परम धाम की शुद्ध नहीं थी, परम धाम की ब्रह्म लीला की शुद्ध नहीं थी। वो तो इस जागनी के ब्रह्मांड में जब अक्षर की सुरता भी इंद्रावती जी के हृदय धाम में आई, तब जाकर के उन्हें परम धाम की शुद्ध हुई, परम धाम की लीला की शुद्ध हुई। तब इंद्रावती जी ने कहा कि मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी भई अक्षर, तारतम ए सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर। अब अक्षर को परम धाम की लीला के विषय में पता चला, अन्यथा अक्षर को भी शुद्ध नहीं थी। वो परम धाम जिसका वर्णन इस ब्रह्मवाणी में किया गया है, जिसका गायन वो सुंदर साथ कर रहे हैं, कहते हैं कि जहां जबराइल रहया चल सक्या न आगे, इन वाणी की बरकते जमुना सातो घाट पहुंचे। जहां तक जबराइल भी नहीं पहुंच रहा था, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सुंदर साथ वहां तक पहुंचते हैं। आज हमारे छोटे छोटे सुंदर साथ भी गायन करते हैं, क्या कहते हैं, सात घाट का वर्णन करते हुए, केल लिबोई और अनार, और तीन बन दाहिनी किनार, बट नारंगी जाम्बू बन राय, पाट के घाट अमृत कहलाए। सातों घाटों का वर्णन आया, परम धाम के एक एक पक्ष का वर्णन करते हैं, रंग महल के 9 भौम 10वीं आकाशी में प्रत्येक भौम की विशेषताओं का वर्णन छोटे छोटे सुंदर साथ भी कर देते हैं। तीजी भूम की जो पड़साल का भी अगर वो गायन करते हैं, या दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर रंग महल में होने वाली लीला की वो बात करते हैं, निरत होत चौथी भूम में कह करके चौथी भूम के नृत्य का वर्णन करते हैं, रंग प्रवाली पियाजी को मंदिर कहते हुए 5वीं भूम की लीला का वर्णन करते हैं। इस तरह परम धाम के एक एक पक्ष का वर्णन इस ब्रह्मवाणी में है, और कहते हैं इन वाणी के सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मिने ठोर बका हक जात। इस माया में बैठे बैठे हमें बका अर्थात अखंड, और हक जात अर्थात राजी श्यामाजी ब्रह्म सृष्टियां सबका दर्शन इस संसार में बैठे बैठे होता है। इस वाणी को सुनने से, और ऐसे सुनने से नहीं, विश्वास पूर्वक सुनने से पहचान होती, और पहचानने से खुलत भिस्त के द्वारा सभी को अखंड मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, ये संपूर्ण जो प्रकरण है इसमें वाणी की महिमा बताई गई है। किस स्वप्न के संसार में बैठे बैठे हम इस वाणी के माध्यम से जागृत होते हैं, इससे पहले जिनको किसी को भी पहचान नहीं हुई, वो पहचान भी यहाँ वाणी की कृपा से, वाणी के माध्यम से सुंदर साथ के पास प्राप्त हुई है।
इन वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर जला। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ती है। ए याद करे सुपन को होए के दिल खुशाल। अक्षर ब्रह्म इस स्वप्न की लीला को याद करते हैं जिसे कि हम अखंड होना कहते हैं। इन वाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान। इस वाणी की जो महिमा है वो इस संसार के धरती आसमान कहीं पर भी समा नहीं सकती है। इस वाणी में परम धाम के नौ भूम दसवीं आकाश सब का वर्णन है। हौज को सर जमुना जी वहाँ के भिन्न भिन्न बाग हैं, फूल बाग है, नूर बाग, अन्न बन, दुग्ध लीचा, इन सब का वर्णन इस वाणी में है। जब हम परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ते हैं, परम धाम की नजदीकी परिक्रमा से लेकर के जो सात परिक्रमा है उन सभी परिक्रमाओं में परम धाम की प्रत्येक पक्ष का वर्णन आता है। इस तरह से माणिक महल, पुखराज पहाड़, हौज कोसर, जमुना जी, आठ सागर, आठ सागर के बीच में आठ जमीन है, उन सागरों के बीच में टापू महल है, उन सब का वर्णन इस ब्रह्मवाणी में है। और क्या कहते हैं, इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए। हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो इस वाणी के माध्यम से समाप्त होती है। सदा शैतान कांपत मीने बैठ ना सकेता है। और जो शैतान है, शैतान कौन है? भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं, शैतान है अज्ञानता, जिसको कलयुग कहा गया है, जिसको दज्जाल कहा है। जिन सुंदर साथ के हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश होता है तो ये कलयुग अज्ञानता दज्जाल रूपी जो शैतान है वो हमेशा काटते रहता है, डरते रहता है, ब्रह्म सृष्टियों से कांपते रहता है। एह जिकर जुबान सु करत है सब मोमिन, श्री राज पौढ़े सुनत है नींद न आवे नैनन। अब इस ब्रह्मवाणी की महिमा सुंदर साथ श्री जी को सुनाते रहते हैं, ब्रह्मवाणी का गायन सुनाते रहते हैं। श्री जी उनको नींद नहीं आई है, वो लेटे हुए और लेटे लेटे सुनते हैं। कछु आंख मिली कि ना मिली फिर सुनत है कान। कभी कभी झपकी आ जाती है, फिर वाणी गायन सुनते सुनते वो तुरंत आंख खोल देते हैं, जागते हैं। यदि कभी कभी गायन करते करते भी कोई चौपाई आगे पीछे कहने में गलती होती है तब भी श्री जी कहते हैं कि ये चौपाई ऐसी नहीं, इस प्रकार है। कभी कभी जो सुंदर साथ जयंती काका की कोठी पे चर्चा की अर्चा कर रहे हैं वो भी यदि इधर उधर कुछ कहते हैं तो उनको भी बुला करके कहते हैं कि मैंने इस प्रकार नहीं कहा था, मैंने इस भाव से नहीं कहा था, उन्हें भी समझाते हैं। अब इस प्रकार आठवें प्रहर में लगभग चार घड़ी बाकी है, अर्थात अब प्रातः के 4:30 बजे का समय होता है। अब वृत्त का समय होता है सुबह, ये भी एक तरह से चितवनी ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि सुंदर साथ तो हमारी तरह औपचारिकता के लिए तो पढ़ते नहीं है, वो तो चितवनी के लिए ही उस वृत्त को गायन करते हैं। मुरलीधर जी आते हैं, सब सुंदर साथ के सामने युगल स्वरूप का स्वरूप वर्णन करते हैं, स्वरूप का गायन करते हैं। उसके बाद सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात अब अपनी नित्य क्रिया के लिए, देह क्रिया के लिए शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के उठते हैं। कोई सुंदर साथ अभी भी सो रहे हैं, कोई वृत्त के समय में वृत्त सुनने आते हैं, लालदास जी कभी उस वृत्त का वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात अब कुछ सुंदर साथ आते हैं मंगल आरती के लिए। कई सुंदर साथ हैं जो निष्ठाबद्ध रूप से प्रतिदिन मंगल आरती में शामिल होते हैं, कुछ सुंदर साथ लेटे लेटे वृत्त को सुनते हैं, कुछ सुंदर साथ बैठ करके सुनते हैं। सबसे पहले ये जो वृत्त कहने का प्रचलन था, वृत्त मतलब एक तरह से चर्चनी को संक्षेप में दोहराना, 25 पक्षों को संक्षेप में दोहराना, सबसे पहले हंसाबाई के घर में ये वृत्त कहने का प्रचलन शुरू हुआ था। फिर जयंती भाई ने ये इस सेवा को आगे बढ़ाया, उसके बाद लालदास जी ने इस सेवा को चलाया। इस तरह से उस कुछ समय के बाद में फिर एक एक दिन एक एक सुंदर साथ को बारी दी गई कि आज वृत्त पढ़ने की सेवा आप करेंगे, कल आप करेंगे, इस तरह से बांट दी गई। और
ये परंपरा कब तक चली? कहते हैं अज्ञा रही जोलो रही, दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंगठरे। जब तक 11वीं सदी चल रही थी, श्री जी की अंतर्धान लीला जब तक नहीं हुई थी, तब तक सुंदर साथ के मन में उत्साह था, दिल बड़ो चाह धरे, बड़े उत्साह के साथ उमंग के साथ इसको करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सुंदर साथ में माया का प्रभाव आता गया। कई ब्रह्मात्माएं तो अपना तन छोड़ चुकी थी, जो सुंदर साथ बचे थे उनमें से जीव सृष्टियों की संख्या अधिक थी। अब जब जीव सृष्टियों की संख्या अधिक होगी, जब उनका वर्चस्व बढ़ेगा तो क्या होगा? कर्मकांड जो है वो चितवनी का स्थान ले लेगा, वाणी मंथन का स्थान ले लेगा। तो इसीलिए बाद में धीरे धीरे चितवनी का प्रचलन कम हो गया और उसके बाद कहते हैं फिर ठंडे पड़ते गए। इसलिए सब सुंदर साथ ठंडे पड़ गए, अर्थात उत्साह उनका लगभग समाप्त प्राय हो गया। अब सुबह का समय है, सुंदर साथ के व्रत के गायन करते रहने तक श्री जी व्रत को सुनते हैं। उसके बाद सर्दी के समय में विशेष रूप से वो कहवा अथवा काढ़ा मंगा करके पीते हैं। महाव जी भाई निष्ठाबंद रूप से आते हैं, श्री जी को काढ़ा पिलाते हैं। कहते हैं जो कोई वीरत कहे करे सेवा ताए, आवे पिछली रात को यही हेत दिल लाए। अब जिसकी वृत्त कहने की सेवा होती है उनको तो रात्रि समाप्त होने से पहले ही सेवा के लिए आना होता है। अब इसमें मोहनदास, बुलचंद मोदी, गोविंद दास, ये सब सुंदर साथ हैं जो वृत्त कहने के लिए बारी बारी से आते हैं। और उसमें क्या कह रहे हैं, धाम की गिरद कह के फेर अंदर बैठे, गिरद अर्थात घेर करके, अर्थात रंग महल के बाहर के सभी परिक्रमाओं का वर्णन करते हुए फिर अंदर रंग महल में प्रवेश करते हैं। चारों चौक उलंग के, चारों चौक अर्थात चार चौरस हवेली को पार करके पांचवी जो गोल हवेली है जिसमें 64 थंब चारों तरफ है, चार चार खांचों में 16-16 जो थंब बने हुए हैं, उस 64 थंब के अंदर नीचे दुलीचा है, ऊपर चंद्रमा तना हुआ है, मध्य में सिंहासन है, सिंहासन में युगल किशोर बैठे हुए हैं, सुंदर साथ किस प्रकार गिरदवाय घेर करके बैठे हुए हैं, इन सब का वर्णन करते हुए सभी सुंदर साथ के आभूषणों का, वस्त्रों का वर्णन करते हुए उसके बाद मूल मिलावे से फिर दूसरी भूम जहां पर भूल भुलवनी की शोभा है उसका वर्णन करते हैं, तीसरी भूम की पड़साल का वर्णन करते हैं, चौथी भूम में नृत्य की हवेली का, उसके बाद में पांचवी भूम में रंग प्रवाली मंदिर जहां पर सब सुंदर साथ की शयन की लीला होती है, छठी भूम में सुखपाल तथा तख्तरवे का वर्णन करते हुए सातवीं और आठवीं भूम में दो ताली और चार ताली के हिंडोले का वर्णन करते हैं, नौवीं भूम में दूरदर्शिका है जिसमें से चारों दिशाओं में देख राज्य सब ब्रह्मात्माओं को दिखाते हैं, तहां बैठे गिरद देख रही, नौवीं भूमि में से चारों तरफ देखते हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं कि चारों तरफ कैसे देखते हैं, पूर्व दिशा में बैठने पर सातों घाट अक्षर के रंग महल को देखते हैं, वट पीपल की चौकी, माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, धाम तलाव, उन सबको किस प्रकार देखते हैं, 24 हास का जो महल है उसको किस प्रकार से देखा जाता है, उन सब का वो वर्णन करते हैं। हर दिशा में से क्या क्या विशेषताएं हैं उस दिशा के तरफ की उसका वर्णन करते हैं। और उसके बाद संपूर्ण वृत्त का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि कुंज बन इन बीच में ए विरत होत वर्णन, दिन रहिया पोहर पिछला, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे संयन। अब राज श्यामा जी के उठ बैठने का मतलब क्या है, रंग प्रवाली मंदिर की भी वहां पर बात करते हैं कि किस तरह से युगल स्वरूप वहां पर उठे हैं। अब कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे थी, तो वहां जाकर के पूछते हैं ये भाव लेकर के कि आज कौन से घाट में जाना है, एक पहर विलास किया दोए पहर विहरत। अब वहां रंग परम धाम की ही ये वृत्त का वर्णन कर रहे हैं
कि एक प्रहर तक वहाँ पर आराम होता है, फिर दो प्रहर तक वहाँ पर विहार अर्थात भ्रमण की लीला होती है, फिर पौड़े पांचवी प्रातः उठे इंठौर, वहाँ पांचवीं भूम में पहुँचते हैं और प्रातः को वहाँ से उठते हैं, रंगप्रवाली मंदिर से उठ करके आते हैं तीसरी भूम में, और आरोग पौड़े भूम तीसरी भूम में आरोगते हैं अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वहीं पर थोड़ी देर के लिए पौड़ते हैं, आराम करते हैं और क्या कहते हैं, श्री राजे आज चित धरी खेल देखाऊं पकड़ हाथ। आज ही राजी ने ये बात हृदय में लिया कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है, और वहीं पर राजी ने पूरा खेल अपने हृदय में लिया, फिर इश्करब्द किया और इश्करब्द करके हम सब राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये खेल बनी, जिसमें आए और आकर के 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज की लीला करने के बाद वृंदावन में पहुंचे, एक रात वहां पर रहे और फिर ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना, जिसमें रास लीला करके आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहां रहे वायदा किया स्थान। रास में लीला करने वाले शक्ति अरब आता है, वहां 63 वर्ष तक लीला करने के बाद अब रू अल्लाह आए दसवीं मिने रहे बरस 74। अब श्यामा जी आती हैं, पहला जामा धारण करती हैं, पहला तन धारण करती है, ताए 313 मिली। अब उनके द्वारा 313 आत्माओं की जागनी होती है। तो इस तरह से ये संक्षेप में वृत्त हुआ। उसके बाद पांचवें दिन की लीला तो श्री जी की है ही। तो कहते हैं ए संक्षेप वृत्त का एक एक कहया सुकन। श्री लालदास जी कहते हैं कि ये वृत्त मैंने संक्षेप में एक एक शब्द कहा है। विस्तार इत बहुत है, सब ठोर पावे मोमिन। उसका विस्तार किया जाए तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक यदि एक पक्ष का भी वर्णन करने लगते हैं तो समय बहुत अधिक लगता है, पर मुझे संक्षेप में वर्णन करना था। तो इस प्रकार जब वृत्त सुंदर साथ गाते हैं बारी बारी से, उसको सुनते हैं श्री जी, और सुनते सुनते अब सुबह सूर्योदय का समय होता है। ए बिरत श्रीराज सुनत है तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सम्मुख हुआ प्रातः को समय। अब सब सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में शामिल होने लग जाते हैं, कुछ उठते हैं नित्य क्रिया करते हैं, कुछ अभी आराम कर रहे हैं। इस प्रकार सूर्योदय हुआ, प्रातः काल का समय हुआ। अब कहते हैं श्री महामती कहे ए मोमिनो आठों प्रहर की बीतक। ये 8 प्रहर की बीतक थी, सुबह के 6 बजे से लेकर अगले दिन के 6 बजे तक की पूरी बीतक हमने सुनी। अब स्वरूप साथ को देते है सो कहूं सो भाग। अब चूंकि ये लगभग 10 वर्ष तक लीला चली है, 11 वर्ष भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है, पर क्योंकि बीच में एक वर्ष चित्रकूट गए हैं, तो इस तरह 1740 से लेकर के 1751 तक इस प्रकार की लीला चलती है। और अब समय क्या आया है 1751 में, महामती जी अब जागनी का उत्तरदायित्व ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म मुनियों को सौंप करके स्वयं उस परम धाम के आनंद में अनवरत डूबना चाहती है, उस रस से बाहर नहीं आना चाहती, इसलिए उन्होंने अब सारी शोभा किसको दी, सुंदर साथ को। मूल स्वरूप श्री राजी के चितवनी में डूबने का उन्होंने भाव लिया, और अब उन्होंने क्या कहा कि तब महाराजा जीशु कहया मैं देखत हूं एक तुम तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। श्री जी ने महाराजा छत्रसाल जी को सारी शोभा और सेवा सौंपी और स्वयं समाधिस्थ होते हैं। अब आगे कल की चर्चा, क्योंकि कल तो समापन है, रविवार है, अंतिम दिन है, हमारे पास कुछ लगभग 80 चौपाई के आसपास है। 8 प्रहर की बीतक समाप्त हो चुकी है, लेकिन गर्मी के दिनों में सुंदर साथ किस प्रकार से विशेष सेवा करते थे और कैसे श्री लालदास जी ने वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के व्यवस्थापन को संभाला था,
किस प्रकार 36 विभाग उन्होंने विभिन्न सेवाओं को संभालने के लिए बनाए थे और सब सुंदर साथ अपने अपने विभाग की सेवा को किस प्रकार से संभालते थे, उसकी चर्चा हम कल सुनेंगे। कल समाप्ति भी है, समापन का समय जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं जिनको जानकारी नहीं उनके लिए कि सुबह 11 बजे से समापन का समय रहेगा, तो सब सुंदर साथ समय से उपस्थित हो जाएंगे। अभी के लिए सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए आठों प्रहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देत है, सो कहूं शोभाहक, सो कहूं शोभाक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।